सो हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास। आज मैं लेट उठा हूँ, अभी जस्ट उठा ही हूँ सो के, मतलब उठ गया था मैं। और उठा मैं ऐसे था कि मेरे को कुछ मंगाया था मैंने मम्मी के लिए ऑनलाइन अमेजोन से, तो उसका डिलीवरी वाले का फ़ोन आया था। तो उसने जब मुझे फ़ोन करके उठाया तो मैं उसको लेने गया और लेके आया, और फिर मैं ऐसे ही थोड़ी देर वापस से ब्लैंकेट में घुस गया और ऐसे ही फ़ोन में लगा हुआ था। एंड आई थॉट कि अब टाइम आ गया है। एंड अभी मेरे को कुछ एडिट्स करने हैं लास्ट वाली वीडियो के, वो भी नहीं किया था मैंने। और वो वाला वीडियो मैंने यहाँ पे 60 FPS पे शूट किया था, तो उसमें ना थोड़ा क्या हो रहा है कि लाइट का वो हो रहा है इशू, थोड़ा ब्लिंक हो रही है चीज़ें, और सो कुछ पार्ट काटना पड़ेगा उसमें से। ऑलमोस्ट एडिट डन है और होपफुली आज शाम तक मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा। जिम नहीं गया मैं आज मॉर्निंग में, पहले प्लान तो था कि मॉर्निंग में ही जाएंगे, और फिर क्या हुआ कि थोड़ा लेट हो गया था सोते सोते, मैं कुछ देखने लग गया था रात को फ़ोन पे। एंड आई थिंक 12:30 के आसपास सोया था मैं, और फिर सुबह उठ तो गया था एक बार, बट आलस आ रहा था बहुत, क्योंकि आज ऑप्शन था, छुट्टी थी, तो आई थॉट कि शाम को ही जाएंगे आराम से सो लेते हैं, सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर क्या था, बहाना मिल गया था तो फिर सो गए। एंड आज का प्लान अभी ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं बाकी, थोड़ी देर जाके नीचे मैच देखेंगे क्योंकि इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं। आई थिंक हमने कल मैंने देखा था तो 500 रन की लीड थी और बांग्लादेश खेलने आ गई थी, सो वो देखेंगे थोड़ी देर, बाकी देखते हैं कैसे जाता है। एक चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं, मैंने अभी रिसेंटली उसको, मतलब स्मूदी टाइप है तो उसको भी हम मतलब देखेंगे कैसे बनाता हूँ मैं। एंड होपफुली आप लोगों को हेल्प करेगा थोड़ा, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो अच्छी, मतलब अच्छी खासी कैलोरीज होंगी उसमें। बस सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट सो गाइस, वीडियो मैंने एडिट कर दिया फटाफट से, थोड़ा बहुत रह गया था और जो काटना पिटना था काट दिया है। एंड अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से एक स्मूदी टाइप वीगन से, लोगों ने उसको यूट्यूब पे होममेड गेनर वेनर पता नहीं किस नाम से डाल रखा है, आई डोंट नो, बट मैं जिस हिसाब से पीता हूँ, जो मैंने अपने खुद के टेस्ट के हिसाब से बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो उसके लिए हमें चाहिए 80-100 grams के आसपास ओट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी इनको ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है, और इसमें एक स्कूप वे प्रोटीन है। अगर आपके पास कोई सा भी फ्लेवर हो चलेगा, बट चॉकलेट वाला होगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। सो मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर था सो वो, एंड एक स्कूप क्रिएटिन भी डाला है, क्योंकि मैं यूजुअली वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ, तो आज मॉर्निंग में गया नहीं तो इसलिए मैंने अभी ले लिया। एंड इसमें क्रिएटिन है, और ये 1.5 स्कूप पीनट बटर है, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी अच्छा खासा टेस्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ वे प्रोटीन। अगर और ये है 2 बनानास, तो इनको डालूंगा, मेरे को आलस आता है तो मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ, मतलब हाथ से तोड़ तोड़ के। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके जब आप इसको पिए उस टाइम पे बनानास के वो ना आए, तो जो कि बाइट करना पड़े, चू करना पड़े, तो पतला पतला काट के इसमें डाल सकते हो। सो एंड ये है 1 गिलास दूध, सो 1 गिलास दूध बहुत है, ये डालेंगे उसके बाद इसको ग्राइंड कर देंगे एंड गुड टू गो। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो इग्नोर दिस मेस, ये अभी मैंने उठाया नहीं है, लेट उठा था मैं, ऐसे मैंने बता दिया वैसे ऑलरेडी, बट स्टिल सो ओके, अभी फटाफट से इसको कर लेते हैं। हाँ मैं ऊपर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि नीचे काम चल रहा है, मम्मी काम कर रही है और थोड़ा शोर शराबा भी है, सो यहाँ पे कमरे में बेड के पास वहाँ पे अपना सॉकेट है और ये बेड है, तो हो जाएगा काम से ओके। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज इट्स रेडी एंड बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये. सो देख सकते हो, मतलब दिखे इतना टेस्टी रहा है तो फिर होगा तो टेस्टी. मैं बहुत दिनों से पी रहा हूँ. आई थिंक मेरे को इसको पीते पीते ऑलमोस्ट कितने 5-6 दिन हो गए हैं. सो इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मेरे को टेस्ट भी लगा इसमें. अगर सिर्फ प्रोटीन पी पी के आप लोग थोड़ा बोर हो गए हो तो आप ये एक टाइम पे ऐड कर सकते हो और इसको पीने के बाद आपको कम से कम 2-2.5 घंटे तक भूख नहीं लगने वाली क्योंकि ये फुल कर देता है पेट आपका. सो चीयर्स, इसी में पी रहा हूँ मैं. इट्स लाइक चॉकलेटी टेस्ट होता है, पूरा प्योर चॉकलेट. जैसे आप खा रहे हो कोई आइसक्रीम खाते हैं ना, चॉकोबार टाइप. सो वैसा कुछ फील आ रहा है. सो इसको बनाने के लिए ये देख रहे हो सब, और मैंने ब्लैंकेट यहाँ डाल दिया इस पर जल्दबाजी में. एंड अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा बन गया आज, बट स्टिल आप अपने हिसाब से बना सकते हो. मेरे को आलस आ रहा है आज क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, तो आई थॉट कि थोड़ा सा थिक ही चलेगा. आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा और पतला कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा दूध डाल के, या थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो अगर दूध से मतलब आपको लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाएंगी तो पानी ऐड कर लो, उससे भी काम बन जाएगा आप लोगों का. मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत टेस्टी है. मतलब ट्राई करोगे ना यू विल लव इट, इसकी गारंटी मेरी है. ओके सो गाइज, अभी मैं अपना लंच कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया मैं. दिन में मैंने शेक पीने के बाद थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया था काम से घर के. एंड मेरे को कुछ फिर दोस्त मिल गए वहाँ पे, फिर हमने थोड़ी बहुत बात करी. फ़ोन मेरा घर पे ही था एंड चार्ज पे लगा के गया था मैं. और अभी फिर दिन में मैं थोड़ी देर सो गया और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और दिस इज़ द मील. ये खिचड़ी बनाई है और दही है. सो इसको खाऊंगा और उसके बाद नहाना है मेरे को, फिर नहा लेंगे. सो गाइज, लंच हो गया है मेरा, मतलब लंच कम डिनर ऑलमोस्ट इसका टाइम हो रहा है आप लगा लो. और अभी जिम निकलने के लिए अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि मैं जाऊंगा 8 बजे तक. एंड होपफुली एज प्लान्ड ही चीज़ें होंगी क्योंकि लास्ट टाइम तो धोखा मिला था मुझे मेरे दोस्त मित्र की तरफ से, और इस बार शायद नहीं मिलेगा क्योंकि आज बोल तो रहा है कि वो आ जाएगा टाइम से. सो थोड़ी मेरे को हेल्प हो जाएगी कि मेरे को थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए कोई मिल जाएगा, अदरवाइज़ आजकल जिम में रश कम हो रहा है. जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं ना लोग थोड़ा कम आ रहे हैं. मैं मॉर्निंग में जाता हूँ तो कम लोग दिखते हैं, और अभी आजकल एक दिन इवनिंग में भी गया था तो इवनिंग में तो ऑलमोस्ट पूरा खाली रहता है जिम, गिने चुने कुछ लोग हो रहे होते हैं. सो शाम में जाने का ये फ़ायदा है. और नेक्स्ट मंथ से मेरी नाइट शिफ्ट होने वाली है. मुझे डे शिफ्ट में 4 मंथ्स हो गए ऑलरेडी, और आई थिंक हो ही जाएगी क्योंकि इतना मौका मिलता नहीं है कि इतने लंबे टाइम के लिए डे शिफ्ट में ही रखें. सो फिर उसके बाद मेरे को रूटीन चेंज करना पड़ेगा. मैं फिर से शायद शाम को ही जाऊंगा जिम, मोस्ट प्रोबेबली. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसा जाता है. एंड आजकल आप लोग मेरे को इसमें बहुत देख रहे होंगे, ये एक स्विंग है घर पर लगाने वाला. सो मज़ा आता है इसमें. मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं फ्री होता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसमें बैठ के कुछ पढ़ लेता हूँ, और या फिर कोई वेब सीरीज़ देखनी होती है तो इस पर बैठ के चिल करता हूँ मैं. और कभी कभी तो मैं ऐसे ही आके इस पर बैठ जाता हूँ. मज़ा आता है इस पर बैठ के, ये अपने आप हिलता रहता है और बैठे रहो. ज़्यादा फोर्स से अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ ना तो एक दो बार ये पलटने वाला था,
तो ये बस नॉर्मल यूज़ के लिए है कि आप बैठ जाओ हल्का हल्का, ये आपको झुलाता रहेगा ऐसे ही और बस चिल। सो एक चीज़ और, मैं ऐसे ही मतलब स्टूडियो पे एनालिटिक्स देख रहा था, सो मेरी जो ऑडियंस है जो मोस्टली मेरे को देखती है फ़िलहाल वो 18 से 24 के बीच की है, मतलब नंबर्स वाइज सबसे ज़्यादा, और 52% उसमें से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं और ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। सो अगर आप उनमें से कोई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट और कीजिए, लाइक कीजिए या फिर कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मुझे बताओ कि मैं कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ें कर सकता हूँ। बस आके सिर्फ वीडियो देख के या जैसे भी आप लोग देखते हो काट काट के या पूरा वीडियो, आई डोंट नो कैसे देखते हो, बट स्टिल इफ यू आर कमिंग टू दिस चैनल एंड वॉचिंग द स्टफ़ तो प्लीज़ कुछ तो छोड़ के जाओ सो दैट कि मैं कोशिश करूँ ना इम्प्रूव करने की, चीज़ें इम्प्रूव हो। तो बस ये बोलना था मेरे को, बाकी अभी फिर देखते हैं, मैं थोड़ा नहा लेता हूँ, नहा के लेट्स सी कैसा जाता है, और तब तक स्टे ट्यून्ड। पानी गर्म हो गया मेरा ऑलरेडी, मम्मी ने गर्म करने के लिए रख दिया था, सो नहा लेता हूँ फर्स्ट और फिर देखते हैं। गाइस अभी टाइम हो गया है जिम निकलने का, सो मेरा प्लान तो नहीं था प्री लेने का, बट आई थॉट कि ले लेते हैं आज। मच्छर देख रहे हो, एक दो, सर्दी आ गई फिर भी नहीं जा रही, तो ज़्यादा नहीं हाफ स्कूफ लूँगा। ये वाला है प्री वर्कआउट मसल ब्लेज का रैथ हैक्स, और ये मुझे मंगाए हुए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं आई गेस। सो और इसमें मिलती है 50 सर्विंग पर कंटेनर, तो अब आप लगा लो मैं कैसे यूज़ करता हूँ। मतलब मोस्टली मैं जो मेरे फेवरेट डेज हैं लेग डे और पुश डेज में यूज़ करता हूँ मोस्टली, बट आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं लूँगा, बट मैं हाफ लूँगा क्योंकि रात को फिर नींद आने में दिक्कत भी हो सकती है, इट कंटेन्स कैफीन, तो हाफ स्कूप काफ़ी होगा है ना। तो इसको लेते हैं फटाफट से, और अमित का भी मैसेज आ रखा है व्हाट्सएप पे, उसको मतलब उसकी स्कूटी में कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ उसको देनी है, तो मेरे साथ ही आएगा तो फिर हम साथ में निकल जाएंगे। एंड हाफ स्कूप ले लेते हैं, चलते ये पता नहीं जम सा क्यों रहा है, खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये मैं दिखाता हूँ सी, इतना ही बच रहा अभी बस, शायद शायद दो बार या एक बार चलेगा उसके बाद खत्म। सो इसको ले लेते हैं एंड निकलते हैं फिर, ठीक है।